अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर निकला उसको सारा संसार मिला, हंसते गाते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, और जिसने मरना सीखा उसे ही जीने का अधिकार मिला। याद रखिएगा, आगे वही बड़ा है जिसने सबसे पहले खुद को दांव पे लगाया है। जो संघर्ष के लिए खुद आगे आया है वही जीत के बाहर आता है। तीन ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। हैबिट नंबर वन, सक्सेस डिमांड्स रिपीटेशन। अगर किसी काम में कुछ बहुत ही अच्छा करना है, बिल्कुल मास्टर बनना है, तो आपको धैर्य रखना होगा, काम करना होगा, ये तो कंपलसरी है। पर आप उस काम में अच्छे तभी बनोगे जब आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे। रिपीट करते रहना होगा जो भी काम आपको लगता है कि ये मैं आज बेकार कर रहा हूँ पर मेरा मन है करने का। पहले सीखो, प्रैक्टिस करो और फिर रिपीट करते रहो। पर मेन क्वेश्चन है कि कब तक करना होगा। जब तक आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि आप ये कह सको कि मैं इस काम को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करते रहो। ऑन स्क्रीन पे डायलॉग बोलने से पहले एक एक्टर को बैक स्टेज पे कई बार प्रैक्टिस करनी होती है। डायलॉग को रिपीट कर करके बोलना होता है, तब तक बोलना होता है जब तक कि उसका फ्लो नेचुरल ना हो जाए। वैसे ही आपको भी अपने काम में करना होगा। नंबर टू, कंबाइन करना सीखो। पता है एक इंसान क्रिएटिव कैसे होता है? जब वो चीज़ों को कंबाइन करना सीख लेता है। अगर आपको कुछ नया लाना है, कुछ क्रिएट करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल ही होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी इंस्पिरेशन कई जगह से हो, पर उन्हें कंबाइन कैसे करना है और उसमें क्रिएटिविटी कैसे लानी है, ये आपके अंदर है। पर मेन बात है कि आप उन सबको एक साथ लाते हो कि नहीं, आपके अंदर वो कला है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि कला बचपन से होती है, आप बनाते हो। चीज़ों को देखो, उनका कॉम्बिनेशन देखो कि कैसे बन सकता है। जब भी कोई नया आर्ट फॉर्म आता है, कैसे आता है, वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है और उसे ही एक नया नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही आप भी चीज़ों को जोड़ना सीखो। नंबर थ्री, ना कहना सीखो। किसी भी काम में नो कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसे ना बोल दो। दिमाग में ये रखे कि वो इंसान कैसा फील करेगा, मेरे बारे में कैसा सोचेगा। आप उस काम को कभी मत करिए, क्योंकि अगर आप उस काम को कर भी लोगे तो वह काम बेस्ट नहीं होगा। उसे आप ज़बरदस्ती करोगे और कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। अगर आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मुझे करना है, तभी करो, नहीं तो ना कहना सीख लो, जीवन में बहुत काम आएगा। सो तीन हैबिट्स हैं। सबसे पहले आप रिपीटेशन करना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो। नंबर टू, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के एक साथ लाना सीखो। एंड नंबर थ्री, ना कहना सीखो। लाइफ बदल जाएगी। एंटिल देन, बी अनस्टॉपेबल।